हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज दीदी माँ लाई अपनी बुक्स। जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि ये हो गई है 10th में, तो आज अपनी बुक्स लाई है और कल से होगा इनका स्कूल। दिस इज 2nd अप्रैल वीडियो। 1st अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो जाता है, बट 1st डे जाते नहीं है। ये तो कॉपीज़ हैं और अभी पढ़ाई करेगी, वीडियोज़ में दिखेगी कम दिखेगी। ये मैथमेटिक्स की बुक है, ये इंग्लिश की बुक है, ये फर्स्ट लाइट बुक है, पता नहीं वॉट एवर। हाँ दिखाना, मैं दिखाती हूँ आपको करीब से थोड़ा सा। फर्स्ट फ्लाइट, अरे वाह, फर्स्ट फ्लाइट दे रहे हैं क्या स्कूल वाले? उसके बाद हाँ, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इंग्लिश की सेकंड। इनके दो दो बुक्स होते हैं, हमारे तो एक एक होती थी हमारे जमाने में 20 साल पहले। ये है क्षितिज, इनके 9th में भी फर्स्ट सेकंड, और कृतिका एंड क्षितिज, इस तरीके से दो बुक्स होती हैं हिंदी की। और ये हिस्ट्री मतलब सोशल साइंस। हाँ, और ज्योग्राफी, ये है इकोनॉमिक्स, अंडर क्या है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। तो ये 3 बुक्स हैं आई थिंक, है ना, तो 4 सिविक्स भी होगी शायद, ये सिविक्स है, तो ये 4 बुक्स होती हैं सोशल साइंस की इनकी, तो इस वजह से। और है ये साइंस, भाई इतनी भी बुक्स बहुत होती है पढ़ने वालों के लिए, ये पढ़ ले इतना बहुत है, ठीक है। बस हो गया। तो एक्स्ट्रा इसका मैंने बोला था ना, की भी लाना इस बार, की नहीं नहीं और बोली थी मैंने कि इस बार 10th में की लेके आना इसकी। चल कोई नहीं, ले आएंगे, बाकी तो नॉर्मल ही है, कवर ववर पेंसिल वेंसिल, बस बाकी इसको भीड़ थी, बाकी लाएंगे। तो चलो जी, बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स फॉर रिधि माँ इन कमेंट कि अच्छे से पढ़ ले थोड़ा सा ज्ञान मेरे जैसे। देखो अपनी मम्मा को पीट रही है। अब बुक्स आ गई है, अब कल से जाएंगी ये स्कूल, और हाँ कल से पढ़ाई स्टार्ट। लेट्स सी, वो मैं आपको बताऊंगी। देखा, ऐसा कभी आज आया ही नहीं कि कल से ऐसा करेंगे, वो कल नहीं आता आजकल, मुझे लगता है वो आज भी नहीं आता कि आज ऐसा करेंगे, बस आज ऐसा करेंगे। आता है, नहीं नहीं देख, आज तो आएगा, देखते हैं कल, ठीक है, बाय बाय, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। और देखिए, फिर रिद्धिमा से बात बात थोड़ी करने के बाद मेरे हस्बैंड और ये गए थे दिन में 3-4 बजे। मुझे आजकल ठंड लग रही है, लेकिन ये बाहर गए तो बाहर जाने पर थोड़ा सा ना गर्मी लगती है, और वैसे भी आपको पता ही है गर्मी के सीजन में हमारे घर में बनेगा मौसमी का जूस और पाइनएप्पल, फिक्स है, मतलब ना हम इतना पीते हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो ये मैं लास्ट ईयर से आपको दिखाती आ रही हूँ, पर जो न्यू व्यूवर्स हैं मैं उनको दिखा देती हूँ, ये वाला मौसमी का जूसर जो है ना, मतलब मैनुअल है बट मतलब कमाल है यार, आई लव, मुझे बहुत पसंद है, फटाफट निकल जाता है। आज हमारे पास ऑरेंज थे मौसमी, अभी हम लाना शुरू नहीं किया है, अभी 15 दिन बाद कर देंगे, अभी हम ऑरेंज का जूस ही पी रहे हैं। ऑरेंज अच्छे मिल रहे हैं अभी भी मार्केट में, तो देखिए बहुत ही अच्छे से, मतलब 4-5 ऑरेंज में ना मतलब 2 ग्लास जूस निकल गया था, मस्त वाला, तो लाइट का झंझट नहीं है बॉस, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखो अपनी मम्मा से कर रही है शैतानी, देखो ये मुझे ना कैची से ना मेरे चट चट कर रहा है, इसके लिए मैं ही बच्चा हूँ। देखो ये कर रही क्या है, अपनी बुक्स के कवर कर रही है, अभी बड़ा बच्चा हो गया, पहले इसकी पाई करके देती थी, मतलब आपको पता ही अपने पापा को पाई कहती है, तो ये अपने पाई से करवाती थी सब, मैंने बोला खुद करो, बड़ी हो गई, 10th वाला बच्चा हो गया अब, है ना भाई। कितनी साइलेंट दिखती है आपको, आप यकीन मानो इतनी मस्ती खोर है ना, आप सोच नहीं सकते हो। आप जहाँ सोच नहीं सकते इसकी मस्ती वहाँ तक जाती है, अरे दिमाग राइट, देखते सच बता है, इतना धीरे धीरे बोलती है ना, आप लोगों को लगता है अरे ये तो बहुत सीधा बच्चा है। आप बिल्कुल जलेबी जैसा गोल 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 गोल। तो देखिए आज थी फिर संडे इवनिंग, तो संडे को वो स्पेशल बनता है, बट स्पेशल मीन्स नॉट अनहेल्दी, और कुछ भी जो हमें पसंद होता है, ऐसा भी नहीं है कि हम मतलब फ्राइड वगैरह नहीं खाते, बहुत खाते हैं, लेकिन आज मन था कि इडली बनाई जाए, फटाफट वाला लेजी कंफर्ट फूड, तो मैं नारियल की चटनी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने नारियल पाउडर लिया है, दही लिया है, थोड़ा सा सॉल्ट लिया है, कड़ी पत्ता ऐड किया है, और फिर उसे ब्लेंड 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 कर लिया है। जब आपके पास नारियल ना हो कच्चा, तो आप इस तरीके से बनाओ, सेम टेस्ट आता है, बहुत ही यम्मी, मैं तो बनाती हूँ। फिर अब देखिए ब्लेंड करने के बाद मैंने इसे निकाल लिया है, और अब लगाएंगे हम इसमें तड़का। तड़के के लिए एक तड़का पैन ले लीजिए, फिर उसमें राई ऐड करनी है, और फिर ऐड करना है कड़ी पत्ता, और ये तड़का पोर कर देना है। मैंने जैसा कि कहा सिंपल इजी वाली रेसिपी मैं शेयर करी, कंफर्ट फूड वाली, मिक्स हो गया और रेडी हो गई है हमारी यम्मी कोकोनट चटनी। अब देखिए इडली भी जैसा मैंने कहा संडे मींस लेजी, तो फिर मैं बना रही हूँ आज, फर्स्ट टाइम ऐसा मैं ट्राई कर रही हूँ लाइफ में MTR का ये मसाला रवा इडली, तो लेट्स ट्राई कैसा बनता है, लास्ट में आपको बता दूंगी। तो इस तरीके का कुछ मिक्सचर इसमें आता है, इसमें सब कुछ ऐड था, इवन तड़का तक भी ऐड था, सारा ही जो मतलब ट्रेडिशनल को वो होती है इडली वैसे ही था। इसमें लिखा था कि 1 पोर्शन दही और 1 पोर्शन आपको लेना था मिक्सचर, बट मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने आधा कटोरी दही लिया है और फिर पानी डाल के उसका बैटर अच्छे से ऐड कर लिया, और उसमें कुछ भी ऐड आपको नहीं करना है, नथिंग। सब्जियां हैं जो आपकी चॉइस हैं, तो मैंने फ्रोजन मटर ऐड किए थे, और ये गाजर भी मैंने फ्रोजन की थी इस तरीके से ग्रेट करके, क्योंकि हम है फूडी, पूरी साल कुछ ना कुछ
चलता ही रहता है खाने के पीने का, तो मैं स्टोर करती हूँ ये सब। तो ये हो गया मिक्स, और अब जो है इसमें मैं थोड़ी सी हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद मैं ना थोड़ा सा हींग ऐड करूँगी, मुझे हींग बहुत पसंद है। तो ऑप्शनल है ये सब, अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो कुछ भी मत ऐड करो। तो मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया, अभी हींग ऐड कर दी, मिक्सचर फिर से मिक्स कर दिया एंड रेडी हो गया। मैं बनाने जा रही हूँ माइक्रोवेव में, तो ये कोइन इडली मैं बना रही हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो मैंने कहा चलो भाई बना दी जाए, फैंसी कर दिया जाए, थोड़ा सा दिमाग को अच्छा लगेगा। तो इस तरीके का ये है, ये मैंने 7 साल पहले लिया था अमेजन से, सिग्नोरा वेयर का है, बट बहुत ही अच्छा है कॉइन इडली के लिए, बहुत अच्छा है, बड़ा भी आता है इसमें, पर मैंने मंगा लिया यार, इतनी भी नहीं बनती है। तो बस इसको ग्रीस कर लिया है अच्छे से, और अब इसमें बैटर जो है इस तरीके से पोर कर देंगे। थोड़ा सा ना कॉइन इडली का बस यही लफड़ा लगता है मुझे, धीरे धीरे बैटर फिल करते करते नींद आने लग जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा तो यार है ही मशक्कत, बट यस अच्छी भी दिखती है। और इसे 3 मिनट के लिए फिक्स रख देंगे माइक्रोवेव में, जब तक वो माइक्रोवेव में रखी, देखिए मैं इस तरीके से भी इडली बना लेती हूँ, सारी कोई नहीं बनाऊंगी, छोटी छोटी कटोरी ले ली हैं, और इनको इस तरीके से फिल करके अब हम कर लेंगे इसको स्टीम। तो ये हो गया फटाफट, मेरे पास बड़ी इडली का सांचा नहीं है और ना मैंने खरीदने की ज़रूरत समझी, क्योंकि मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। अब ये हमारी माइक्रोवेव वाली इडली हो गई है 3 मिनट में, ये देखिए एकदम स्टीमी स्टीमी हॉट हॉट इडली, और बहुत ईजीली ये निकल जाती हैं। ये देखिए इस तरह छोटे छोटे ढोकले भी बनाती हूँ मैं, इसमें कभी शेयर करूंगा आपसे। अब हो गई है तैयार, चटनी तैयार हो गई, इडली तैयार हो गई, तो अब आता है प्रेजेंटेशन का टाइम। तो ये हो गई हैं इडलियाँ एक साइड में, कॉइन इडली, और ये चटनी जो बहुत ही लाजवाब बनी थी, मैं और वॉइस कर रही हूँ तो आपको पता ही है, ये थी इमली की, सॉरी कैरी की चटनी और पुदीने की चटनी, तो ये बहुत टेस्टी थी, दोनों में लहसुन प्याज कुछ भी नहीं था। और ये देखिए इधर रख दी मैंने इनको स्टीम होने के लिए। तो बस आप भी ट्राई जरूर करना, बच्चों के ना टिफिन के लिए बहुत बेस्ट रेसिपी है, और बहुत, और टेस्ट जो था ना सच में बहुत औसम था। तो अगर आप कभी बनाना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैंने रिवाइड लिखी रेसिपी शेयर कर दूंगी, तो इंजॉय इस तरीके से किया संडे। अब रिद्धिमा करके बताएगी आपको टेस्ट कैसी है, सच सच बोलना ठीक है, सॉल्ट कम है। तो चलिए गाइज ये आपके लिए, आप खा लो। अब मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में, तो बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।